बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। खुशखबरी से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कि हमारे घर के भी नींबू हैं, पता नहीं क्या है यार, ये एक दो हैं अभी, ये लगे हुए हैं। और इतनी जल्दी कैसे उठ पाऊँ, फजर का टाइम है, जुमे का दिन है, सबसे पहले जुमा मुबारक। और इस तरह से कैसे ये यार, ये आ रही है, शाइन आ रही है, शाइन है, पता नहीं सनराइज़ हो रहा है ना, तो इसकी वो आ रही है यार। पहले तो बता दूं कि मैं अभी तक सोया नहीं हूँ और मैंने बस पढ़ ली हुई है। अभी पहले सबसे पहले चलते हैं कब्रिस्तान। अबू की डेथ हुए तकरीबन 2021 में डेथ हुई थी उनकी, अगस्त में। इस साल 3 साल हो जाएंगे, इस साल 21, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, या 2 या 3 साल। पहले तो चलते हैं कब्रिस्तान, ये लगाते हैं चाबी। यार रात का टाइम का पता ही नहीं चला मुझे, कब से कब कितने से कितना हो गया। मैं जब सोने के लिए बिस्तर पे आया मुझे नींद ना आ रही हो, परा रह गया, परा रह गया। चलो सबसे पहले कब्रिस्तान चलते हैं। 21 में डेथ हुई थी उनकी, 22-23 दूसरा साल लगा हुआ, तीसरा साल लग जाएगा इस साल। मैंने कहा क्यों ना जा, तो जैसे तैसे रहे हैं ये, फूल भी उन्हीं के अपने खुद के उगाए हुए हैं, यानी कि उन्होंने खुद उगाए थे, लगाए थे पौधे फूल के। तो ना मैंने कहा कि लेते जाते हैं सारे तौर के कब्रिस्तान में, कब्र पर लगा देंगे ऊपर, यानी कि वो कर देंगे, डाल देंगे सुबह सुबह। अब पता नहीं आके सोने की कोशिश करूँगा, नींद आ गई तो सही है, मुझे पता नहीं मेरी नींद आज तो कंप्लीट नहीं होनी, या तो दिन को सो जाऊँ तो दिन को कंप्लीट शायद हो जाए, नहीं तो आज कन्फर्म है मुझे नींद, मेरी नींद कंप्लीट नहीं होनी। और ये पूरी टूटी हुई है, ये मेरे साथ होया करता था बीच में रमज़ान शरीफ में, तब मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती थी। पेपर थे एक तो सुबह सुबह उठना पड़ता था, रोज़ा रखता सारे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रखे थे। ये तोड़ते हैं, इतने बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन हैं बहुत, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं हैं। करें काटने पड़ेंगे, सबसे पहले तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी चलते हैं, हो क्या आ जाते हैं कब्रिस्तान। पहले तो जाके उधर से झाड़ू लेके आते हैं, अंदर पर आओ, झाड़ू लेके आते हैं, झाड़ू से उससे सफाई करते हैं, जाकर भी कब्र पर अपने दादा बुकी की कब्र पर, पापा के कब्र पर, फिर घर वापसी रख देंगे, जूती उतार दो। आंधे इधर आया, इतनी खुशबू आई है ना, अस्सलाम वालेकुम या लाल कबूर। ये झाड़ू यार हो रहा है, वो दूसरा झाड़ू था ना उससे जल्दी सफाई होती है, इससे मुश्किल। कोई बाबा आया हुआ है, छोटी पड़ी है, छोटी पड़ी है। अब डालते हैं पानी, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत फूल हैं वो डाल देंगे, पानी भी पूरा हो जाए, पानी पूरा हो जाए क्योंकि उस तरफ नलका है, नलके से भर लेंगे। चलो सफाई कर ली थोड़ी बहुत। ये अपने दादा की कब्र है, और चाचू की कब्र है, और ये दादी अम्मा की कब्र है, और इस तरफ सारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार। अपनी अबू की कब्र पर डाल दिया सारा पानी, और दादा अबू की कब्र पर डालते हैं। देखो
देखा है ना, ये हमारे पंप के साथ ही है, करीब ही है, लेकिन कल नहीं तो परसों, ये कल सील होया ये पंप, कल नहीं तो परसों ये पंप सील होया है। वो सील इस वजह से होया है शायद, ये तो नहीं कंफर्म मुझे, मैं बता भी नहीं रहा सील किस वजह से होया है। जो मैंने पंप दिखाया ना पीछे, ये रहा पंप, ये हमारे घर के, हमारे पंप के साथ ही है, कल नहीं तो परसों ये पंप सील होया है। तो ऐसे काम करे होंगे जिस वजह से इनका पंप सील होया है, बाकी अल्लाह पाकी ने इनकी हक हलाल की रोज़ी अता फरमाए। ये नहीं यार कन्फर्म हो रहा कि पता नहीं इन्होंने करा क्या है कि जिस वजह से इनका पंप सील हो गया है। अरे नींद आ जाए यार, अब मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं आती अपनी। भाई 6 के करीब सोया था, 1 बजे उठाऊँ और नहा धो के फ्रेश होके अब जा रहा हूँ जुमा पढ़ने। चलो चलते हैं जुमा पढ़ते हैं, सबसे पहले जुमा पारी। गर्मी और सूरज की लाइट पड़ी है। जुमा पढ़ के घर आ गया था, हल्का फुल्का सा नाश्ता करा है, अभी दिल हो रहा था बोतल का, मैंने कहा कि चल के लेते हैं हाफ लीटर डियो, कपड़ा करो अंदर, अब चाबी भी नहीं खरी और गर्मी इंतहा की है, इंतहा की। सर जी असर के बाद का टाइम है, अभी उठाते हैं इस बाइक की चाबी, इसे खींच के चलते हैं बस्ती, मुनीब को उठाएंगे या बोतल पियेंगे या पिलाएंगे, तकरीबन पिलाने वाला दिन है क्योंकि उसे 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पी खराब। जल्दी से चलते हैं। गियर में स्टार्ट करिए ना क्लच पकड़ के, 1 to 5 का तो पता है गियर में स्टार्ट होती है। अभी इसे गर्म करते हैं, हल्की हल्की सी और बाइल लेके आए थे, पैदल बाइल लेके चलते हैं। ज़रा सा मैंने कहा कि पहले कपड़ों का पता कर लें सिले हैं या नहीं सिले। तो साहब दसावा सर्विस करवा मारा है। अच्छा दसावा मेरे कपड़े सी दिन एतवार, आज जुमा है। क्यों हूँ तो बरा की थी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करे सी कि ना बरा ले 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 पर इसी की थी, मैं भूल गया था, मैं तो याद है मैंने 3-4 दिन से नहीं पिला, इसी के ऊपर किसी किसी तरीके से डालो। माशाल्लाह वो कबूतर देखो, रुक ये वाला वाइट जो आगे उसके साथ है, वाइट और ब्लैक कलर का, माशाल्लाह। कहो के सुबह सुबह किधर, मैं 6 बजे उठ गया था, 6:45 बजे तकरीबन उठ गया था, फिर मैंने कहा कि बस्ती चलते हैं आज उठ के, तो ना फिर मैं बस्ती आ गया। मामू ने कहा कि अगर अपने आम जो पेटी देते हैं वो, हमने कहा अगर अपने आम आज तोड़ते हो तो आज वो तोड़ लो, मैंने कहा कि चलो देखता हूँ। मामू खड़े हैं इधर, शादी में भी आई हैं, मैंने कहा कि मामू को बोलता हूँ कि पक्के करके दें, पक्के जब हो जाए तो सब दें। अभी चलते हैं सलान भी, अभी वहीं खड़े हैं, शादी में भी वो सामने। अच्छा अच्छा एक और के खा ले चाचू, तो मारेंगे भी सही हैं। अच्छा अभी ना मामू ने कहा कि जाके क्या ले आओ साइम, अबे तू हैं तू खा खा, मामू ने क्या क्या लेके आना है, डल्ले लेके आनी है, बोलो मुश्किल के ज़मीन की तरफ पर, यानी मोचल पे पर वैसपुर की ज़मीन की तरफ, उस तरफ है। हादी को पता भी नहीं डले क्या होती है। हाँ तो मुझे क्या पता, मैंने कभी चला, ओ, वो हुसैन को देखियो इधर है। अच्छा ये मुझे नाम का नहीं पता था, मुझे ये पता था कि ये होती क्या है, टोकरी है। डर रहे हैं, डर रहे हैं, डर रहे हैं। वो देख वेली आया, ए, 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 रुको दिखाऊं, ये जहाँ पे मिर्ची है ना इस तरफ से लेके इस तरफ भी सारी मिर्ची, पीछे तक जमीन के पास है, पापा के पास है, वहाँ तक भी, यहाँ से ये भी
इस फ्रंट का नहीं पता। गाइस तकरीबन मैं 8 बजे 8:30 नहीं इतना भी नहीं होता, ये नहीं याद कि कितने बजे मैं घर वापसी आ गया था। फिर आके सो गया, आके सोने के नाश्ता करा आधा घंटा या 45 मिनट, 1 घंटा ड्रामा देखा। फिर अभी हम इन्हें उठाया 1 बजे के करीब, जब मैं आया तो मैंने तब ए सी ऑन कर दिया था, अभी बंद करा। मम्मी ने कहा कि सब्जी लिया, मैंने कहा कि अच्छा जाता हूँ फिर आके ऑन कर दूंगा। दूरी दूरी से क्या किलो टमाटर, तो टमाटर का क्या रेट है? 160 रुपये किलो। टमाटर आधा किलो दे चा, तोरी दे चा, सब मिर्चा दे चा, सब धाने दे चा, थोड़ी थोड़ी खैरा यकी पाड़े। फोट किधर है? और चल पो, चलो पास डड्डू ना, आज 6 मंथ का हो गया जी। आई मामू उधर बुलबुले लगा पड़ा है। सिर्फ बात का टाइम है, अचानक से मौसम इतना प्यारा बन गया हुआ है। अभी कल कंपनी को उठाते हैं, उसको आज का बोतल मुझे खिलानी पड़ेगी क्योंकि 4-5 दिन से वही पिला रहा है, आज मैं पिलाऊंगा। चलो चल के उठाते हैं, पहले बाकी चाबी उठाते हैं। चलो अभी ऊँचा करो, रुको रुको साइड पे जाके छत से दिखाते ना, तो अभी टाइम नहीं है इतना, इतना टाइम नहीं मेरे को। काकू की तरह माशाल्लाह खड़ी। देखो मेरी शहजादी, क्योंकि मैंने कब से फ्यूल नहीं डलवाया, पहले देख लें एंड है, चल के डलवाते हैं। फ्यूल ने यहाँ से सूट लेना था चौधरीओं से, मैंने कहा कि चलो तुम लोग जाओ, हम लोग खड़े हैं, वो बैठे हैं अंदर। मगरिब के बाद का टाइम है, वो जूट सोडा पी के वापसी आ गए थे, अब लेट के पास आए हुए हैं। मुनीब को उठा के गए शेखों के पास, शामिया खाने चलते हैं, जो सूराबाद की मशहूर शामिया, मशहूर हमें वही पसंद है, सारों को मशहूर भी हैं शेख शामी वाले, उनका यही नाम है शेख शामी वाले। यार देख अंदर जा परा गाइस, रास्ते पे आ गए हैं इधर। ये चेक करो, ये पूरा का पूरा ट्रक लग रहा है ना, ऑल्ट वाल ट्रक, ये है लोडर, जो लोडर होता है यहाँ पे, इसका ड्राइवर देखना, बच्चा बच्चा रही है अब बारह बैठे